राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग तथा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है अभिभावकों हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला आओ बच्चों को समझें। इस श्रृंखला में विशेष आवश्यकता से जुड़े बच्चों की समस्याओं की पहचान तथा उन समस्याओं के समाधान की खोज करने का प्रयास किया गया है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पहला कदम। साथियों, आज हम ऐसे बच्चों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत छोटी उम्र में ही दूसरे बच्चों से अलग नजर आते हैं, समस्याग्रस्त नजर आते हैं और उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा ही एक बच्चा है राजू, जो शारीरिक रूप से विकलांग है। इस समय वो अपने घर में अपने माता पिता के साथ है और राजू बेटा, आओ आओ बेटा, आओ, शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। राजू के बापू, अजी सुनो तो। क्या हुआ सुनीता, क्या हुआ? देखो तो जरा, आज तो हमारा राजू बेटा बिना किसी सहारे के खुद चलकर दूसरे कमरे से डिब्बा उठाकर लाया है जी। अच्छा सुनीता, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी भाई, ये तो कमाल हो गया। अरे भाई, इस बात को तो फौरन चलकर डॉक्टर साहब को बताना चाहिए, कितनी खुशी होगी उन्हें जानकर। बिल्कुल जी बिल्कुल, फिर देर किस बात की है, आज तो आपकी छुट्टी भी है ना। हाँ। आज ही स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं जी। हाँ ये ठीक रहेगा। तो फिर चलो राजू बेटा, अब तो तुम बिना किसी सहारे के चलने लगे हो। जाओ बेटा, आओ माँ के पास। हाँ आओ बेटा, आओ। शाबाश। हाँ। आज तो मेरा राजू बेटा अपने आप तैयार भी होगा, है ना बेटा? हाँ माँ, मैं अपने आप तैयार। चलो बेटा, अब जल्दी से अपनी कमीज के बटन बंद करो, कोशिश करो बेटा। हाँ। चलो। हाँ? हाँ? अरे ये देखो। हाँ। ये बंद हो गया ना, शाबाश। हाँ। मेरा अच्छा बेटा। हाँ। अब बाकी मैं लगा देती हूँ। ये लो। आओ बेटा, अब तुम्हारे बाल भी ठीक कर दूँ। ये हो गई कंघी। हाँ। मेरा राजू बेटा कितना अच्छा लग रहा है। चलो सुनीता, अब डॉक्टर साहब के पास चलें। चलो जी चलो। आओ बेटा, आओ, 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 आओ। हाँ तो साथियों, फिर राजू अपने आप ही तैयार हुआ। उसकी माँ ने थोड़ी बहुत मदद जरूर की, लेकिन आज राजू के माता पिता बहुत खुश थे कि अब राजू बिना किसी की मदद के चलने लगा है और थोड़ा बहुत काम भी करने लगा है। राजू के माता पिता उसे लेकर स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। वहां उनकी भेंट शीला जी से हो गई, जिन्हें वे बहुत पहले से जानते थे। अरे चाची आप, नमस्ते। नमस्ते सुनीता। नमस्ते चाची। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो तुम लोग? ठीक है जी। आप यहाँ कैसे? इतने दिनों बाद आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, हाँ। वैसे सब ठीक ठाक तो है चाची? हाँ, वैसे तो सब ठीक है। हमने सोचा आज गीता के दादाजी की छुट्टी है तो गीता को पोलियो की दवाई दिलवा दें। ये आपने बहुत अच्छा किया चाची, सही समय पर पोलियो की दवाई बच्चे को दिलवाना बहुत जरूरी है। हाँ। अब देखो ना, हमारे गांव में एक लड़का है,
उसके मां-बाप ने लापरवाही कर दी। ओ उसको समय पर दवाई नहीं दे पाए और वो पोलियो का शिकार हो गया। ओ चाची अब वो 10 साल का है और चल नहीं पाता। अच्छा इसकी वजह से स्कूल भी नहीं जा पाता बेचारा। ओ हो 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 ये तो बड़े दुख की बात है। पहले दवाइयां इतनी आसानी से नहीं मिल पाती थीं और लोग भी इतने जागरूक नहीं थे। जी लेकिन अब तो सरकार ने बाकायदा पोलियो अभियान चला रखा है। हां जिससे बड़ी आसानी से दवाइयां मिल जाती हैं। भाई ऐसे मौके का तो सभी मां-बाप को लाभ उठाना चाहिए। अच्छा सुनीता जी ये तो बताओ राजू को क्या तकलीफ है? क्या बताऊं चाची इसकी समस्या कुछ अलग ही है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसे मूल रूप से सेरेब्रल पाल्सी यानी दिमागी पक्षाघात है। अच्छा जिसके कारण ये गत्यात्मक विकलांगता का शिकार हो गया है। राजू के जन्म के समय तो हमने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में जब इसने समय पर गर्दन संभालना बैठना और खड़ा होना शुरू नहीं किया तो चाची हमें चिंता होने लगी। हां हां और आसपास के झोला छाप डॉक्टरों की राय लेते रहे। ओहो हां चाची और नतीजा यह हुआ कि सही समय पर सही इलाज नहीं हो पाने की वजह से इसने देर से चलना शुरू किया। और तो और अब तक ये दूसरे बच्चों की तरह सामान्य ढंग से बोल भी नहीं पाता चाची। सुनीता अभी तुमने कुछ कहा था ना वो गत्यात्मक। जी चाची हां हां गत्यात्मक विकलांगता। हां हां डॉक्टर साहब ने बताया था कि इस विकलांगता में रोगी शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है। अच्छा और वो कई प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को दूसरे सामान्य लोगों की तरह सहजता से नहीं कर पाता। जैसे उठना बैठना खड़ा होना गर्दन या हाथ पांव हिलाना वगैरह वगैरह। क्या इसकी वजह से राजू के दिमाग पर भी असर पड़ा है? चाची शुरू में मुझे भी इस बात का संदेह था। डॉक्टर ने बताया था कई बच्चों के दिमाग पर असर हो सकता है और नहीं भी। ओ लेकिन जहां तक राजू की बात है जांच करने पर पता चला कि इसके दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा है। अच्छा चलो यह तो बड़ी अच्छी बात है। पापा पापा डॉक्टर साहब कब आएंगे? अभी आने वाले हैं बेटा। सुनीता वो देखो डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। हां नमस्ते डॉक्टर साहब। ओ नमस्ते नमस्ते आइए आप लोग अंदर आइए। अच्छा सुनीता जी तुम डॉक्टर साहब से मिल लो। मैं गीता के दादाजी को देखती हूं वो भी आ गए होंगे उसे दवाई दिलवाकर। धन्यवाद चाची आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हां हां फिर भेंट होगी। हां जरूर। नमस्ते। हां नमस्ते। नमस्ते चाची। हां नमस्ते बेटा नमस्ते। आओ सुनीता। आइए आइए बैठिए। जी राजू बेटे तुम कैसे हो? जी मैं ठीक हूं। डॉक्टर साहब हम आपको यह खुशखबरी देने आए थे कि हमारा राजू अब बिना किसी सहारे के ठीक से चलने लगा है। अरे वाह यह तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। जी शाबाश शाबाश बेटे राजू। डॉक्टर साहब आज तो यह अपने आप बिना किसी सहारे के चल के दूसरे कमरे से एक डिब्बा भी उठाकर लाया। हां डॉक्टर साहब बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसका मतलब है कि राजू की हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। जी शुक्र है इसकी हालत बेहतर हो रही है। अब तो वो सही प्रशिक्षण लेने और आप दोनों की कड़ी मेहनत से चलने फिरने और काम भी करने लगा है। जी राजू की हालत तो फिर भी बहुत ठीक है। कुछ बच्चों पर तो इसका इतना ज्यादा असर होता है कि उन्हें पहिए वाली कुर्सी दो डंडों का या वॉकर का सहारा लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब इस विकलांगता में
रोगी पर और क्या-क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जैसे कि मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं, इसमें शारीरिक क्षमताओं के साथ-साथ जी कुछ और क्षमताओं पर भी असर हो सकता है, जैसे कि बोलने में, समझने में। कुछ बच्चों के तो देखने, सीखने और उनकी बुद्धि पर भी असर पड़ता है। डॉक्टर साहब, क्या हमारा राजू और बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ सकता है? क्योंकि अब इसकी स्कूल जाने की उम्र होने लगी है। हां हां, क्यों नहीं, बिल्कुल स्कूल जा सकता है, पढ़ सकता है। अच्छा, क्योंकि इसके दिमाग पर इस बीमारी का कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। पर हां, इसको अब ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी जो इसे सही बोलना सिखाएं, इसे अभ्यास कराएं और हाथ पैर की कसरत कराते रहें। डॉक्टर साहब, ये सब सुविधाएं स्कूलों में भी मिलेंगी? बड़े शहरों में तो ये सुविधाएं स्कूलों में भी मिल जाती हैं, पर गांव के स्कूल में अगर ये सुविधा न मिले तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये सुविधा मिल जाती है। जी हां, जैसे आपको पहले शारीरिक व्यायाम कराने वाले डॉक्टर यानी फिजियोथेरेपिस्ट ने चलने के अभ्यास का कार्यक्रम बताया था ना? जी, वैसे ही वो अब आगे इसकी शारीरिक दक्षताओं को तेजी से सुधारने के लिए सलाह देगा। अच्छा, और हां, इसके अलावा आप किसी वाक विशेषज्ञ यानी स्पीच थेरेपिस्ट से भी मिल लीजिए, वो आपको बताएंगे कि इसकी बोलने की क्षमता में सुधार करने के लिए आप कैसे इसकी मदद करें। जी डॉक्टर साहब, तो क्या हम इसको स्कूल में दाखिल कर दें? हां हां, क्यों नहीं, आप इसे अपने घर के आसपास किसी भी स्कूल में दाखिल कर दीजिए। और हां, वहां के अध्यापकों के साथ आप तालमेल अवश्य बनाकर रखें ताकि राजू को स्कूल में कोई परेशानी ना हो। जी डॉक्टर साहब, ये दिमागी पक्षाघात होता क्यों है? ओहो, आप फिर परेशान हो गए। मैंने पहले भी बताया था इसके कई कारण हैं, जैसे कि बहुत छोटी उम्र में बच्चे को तेज बुखार आना। जी, अधिक दस्त या दौरे पड़ना। हां ठीक है ना। हां हां, बच्चे के सिर में कोई चोट लगना। अच्छा, डॉक्टर की राय के बिना बच्चे को कोई दवाई देना। ओह, और बच्चे को समय पर सारे जरूरी टीके न लगवाना। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना बहुत समय दिया। जी राजू बेटा, बेटा डॉक्टर साहब को नमस्ते करो। करो बेटा नमस्ते। शाबाश नमस्ते बेटा, नमस्ते। फिर आकर बताना कि आपने और क्या-क्या सीखा। चलो बेटा आओ। अच्छा, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते, आओ बेटा। साथियों, सच्ची लगन और मेहनत से बहुत कुछ हो सकता है। राजू के माता-पिता ने यह संकल्प कर लिया है कि राजू के जीवन को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ेंगे। इसलिए वे नियमित रूप से राजू को विशेषज्ञों के पास ले जाते हैं और अब राजू स्कूल भी जाता है, अपना ढेर सारा काम खुद ही कर लेता है। और हां, अब वो पहले की अपेक्षा साफ-साफ बोलने भी लगा है। राजू के माता-पिता को अब राजू की इस यात्रा में कई कदम चलने के बाद कुछ राहत मिलने लगी है। समय के साथ वो और उनका बच्चा सामान्य जीवन में रमने लगेंगे, ऐसी हमारी आशा है। लेकिन साथियों, यदि हम चाहें तो इस जीवन की यात्रा में पहले कदम पर ही हम सावधान रहकर बच्चों को इस रोग की पकड़ में आने से बहुत हद तक रोक सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस रोग की रोकथाम के बारे में। साथियों,
इसकी रोकथाम के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि गर्भावस्था और प्रसव काल के समय किसी प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स और दाई से परामर्श लेना और उन्हीं की देखरेख में प्रसव कराना। डॉक्टर की राय के बिना कोई दवाई न लेना और बच्चे को समय पर सारे टीके लगवाना। सावधानी बरतने से ही हम बच्चों के स्वस्थ जीवन की आशा कर सकते हैं। पहला कदम, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर कुसुम शर्मा, विषय परामर्श श्री बालन, दीपिका और प्रोफेसर कुसुम शर्मा, परियोजना मार्गदर्शन प्रोफेसर नीरजा शुक्ला, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, नीरज शर्मा, दिनेश वर्मा, गीता वर्मा, सुनीति कोहली और रसज्ञ, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और इरफान, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।